हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट ड्राइव रिव्यू हीरो एक्सट्रीम 160R का, जो कि मेरे पीछे खड़ी हुई है। और अभी मैं आपको इसके थोड़े से बी रोल्स दूंगा, फिर इसके बाद हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसका प्रैक्टिकल राइड रिव्यू मैं करूँगा कि एक्चुअल में ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है और कितने काम की हो सकती है आपके लिए और कितनी बेहतर है और इसका इंजन रिस्पॉन्स कैसा है और इसका माइलेज कैसा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस मोटरसाइकिल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हीरो एक्सट्रीम 160R और सामने से हम लोग बात करेंगे। तो सामने आपको मिलता है डे टाइम DRLs और ये फुल्ली LED सेटअप है यहाँ पर। और ये LED इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो भी LED है, जो कि एक अच्छी बात है। और एक इसमें खास फीचर्स है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और इसके जो शॉक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, चंकी हैं। और सामने की तरफ आप देखो, इसमें आपको मिलता है 276mm का पेटल डिस्क ब्रेक और ये आता है सिंगल चैनल ABS के साथ। और सामने आपको MRF के जैपर वाले टायर मिलते हैं और यहाँ पर आप रिम स्ट्राइप्स देख सकते हैं। तो यहाँ की जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बेहतर है। और अभी मैं थोड़ा सा आपको इसकी लाइट ग्लो करके दिखाता हूँ। तो ये रही इसकी लाइट, कुछ इस तरह से जलेगी। ये अभी शायद लो बीम है और ये रही हाई बीम। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये दोनों एक साथ जलेंगी, तो काफ़ी अच्छा बन के आता है। और इसमें एक हैजर्ड स्विच है, तो ये आपके काफ़ी टूरिंग में काम आने वाला है, जिसमें चारों इंडिकेटर्स आपके एक साथ ब्लिंक करेंगे। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है और काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी फीचर भी मानता हूँ, अगर आप 2021 पे कोई गाड़ी कंसीडर करना चाहते हो। तो अब चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल और इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए स्पीडोमीटर वगैरह मिल जाएगा और फ्यूल इंडिकेटर और किलोमीटर्स वगैरह। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड का इंडिकेटर मिलता है और ये FI का आपको लाइट मिल जाता है, साथ में ABS का मिल जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं और ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो काफ़ी अच्छा लगता है डे टाइम में। और ये नेगेटिव डिस्प्ले है। हाँ, अगर ये मोटरसाइकिल गियर पे पड़ी हुई है और साइड स्टैंड पे लगी है तो ये मोटरसाइकिल ऑन नहीं होगी। जैसे अभी न्यूट्रल में है तो ये ऑन हो रही थी, मैं अभी इसको गियर में डाल देता हूँ तो अब दबा के देखता हूँ ऑन होती कि नहीं। तो ये देखिए, ये ऑन नहीं हो रही है, ये ऑन नहीं हो रही है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, ये सेफ्टी फीचर है कि न्यूट्रल में रहेगी तभी ऑन होगी। तो न्यूट्रल में फिर से डाल देता हूँ इसको। तो ये है इसका राइट साइड का स्विच, यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट बटन और इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक पहले तो फ्लैशर लाइट मिलता है, तो ये मुझे काफ़ी बेहतर लगता है क्योंकि इंटीग्रेटेड में वो मज़ा नहीं आती है जो इंडिविजुअल में आती है। और ये हाई बीम लो बीम, ये हैजर्ड का स्विच है और ये इंडिकेटर का है, ये हॉर्न का स्विच है। और जो क्लच का फील है वो भी काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पर ये टैंक दिया हुआ है, टैंक 12 लीटर का है, आप देख सकते हो। टैंक के जो एक्सटेंशन है एक्सट्रीम की ब्रांडिंग है और यहाँ पर FI की ब्रांडिंग आपको देखने मिल जाएगी, यहाँ पर 160R की ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी। और पीछे आपको स्मोक्ड वाला टेल लाइट मिलता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है। बाद में लोग टिंट कराते हैं या स्मोक्ड कराते हैं अपने मोटरसाइकिल में, लेकिन ये पहले से दे रखा है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए आप, यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड ही दिया हुआ है इसी में, जो पकड़ने के लिए अगर कोई पीछे बैठता है प्लेन के लिए पकड़ने के लिए, तो ये प्लास्टिक का है। इवन अगर ये थोड़ा से लोहे का होता या ऊपर से निकला हुआ होता तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तब भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और ये इसके फुटपैक से पीछे वाले, ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी है। और फाइनली ये रही सीट, तो सीट काफ़ी बेहतर है, मतलब प्लेन के लिए भी काफ़ी अच्छी है और राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड, मैं अभी आप लोगों को इसकी सीट हाइट चेक करा देता हूँ। मेरी हाइट है 5'5", तो मैं अपने जो टोज होते हैं वो मैं नीचे ग्राउंड कर पा रहा हूँ, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 5'5" है या 5 से ऊपर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर हाँ उससे कम है 5'3" या 5'2" तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ग्राउंड फ्लोर करने पे। बाकी ओवरऑल जो इसका
राइडिंग स्टैंड से काफ़ी कंफर्टेबल है, सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है और सस्पेंशन भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं, लेकिन अब जब चलाएंगे तब ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि ये ओवरऑल कैसा कॉम्बिनेशन है इसका चलाने में। और चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इसका इंजन है, ये 160 सीसी का इंजन है और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किक स्टार्ट भी मिलता है, FI तो है ही, मतलब फ्यूल इंजेक्शन भी है इसमें और आपको किक स्टार्ट भी मिलता है। 15 BHP के आसपास इसकी पावर है और 14 न्यूटन मीटर का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जाएगा। और ये है इसका ऑक्सीजन सेंसर और इसका मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट दिखाता हूँ, एग्जॉस्ट कैसा है। तो ये इसका एग्जॉस्ट है, कॉम्पैक्ट हॉर्नेट की तरह का एग्जॉस्ट है, जो मेरे पास बाइक है उसी के तरीके का है। तो अभी मैं इसका आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रहा इसका साउंड। इंजन का भी साउंड सुन लो आप। इस मोटरसाइकिल में पीछे ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन अगर आप डबल डिस्क चाहते हो तो डबल डिस्क भी मिल जाएगा। और पीछे ये 130 सेक्शन का टायर है और ये रेडियल टायर है, MRF रेव्स की तरफ से आता है, 130/70/17। तो ओवरऑल जो इसका टायर प्रोफाइल है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, अगर 140 होता तो और ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन जितना मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छी है। और ये मोटरसाइकिल सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल है, ओवरऑल लुक्स को लेके और जो फीचर्स को लेके काफ़ी अच्छी ये मोटरसाइकिल है। तो अगर आप लोग कुछ सोच रहे हो कि हीरो का प्रोडक्ट थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होता है, तो ये अभी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ कि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है कि नहीं। तो चलो अब इसको राइड करते हैं और फिर बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में कि इसका गेयरबॉक्स कैसा है, पिकअप कैसा है और इसका ऑटो सेल टेक्नोलॉजी में देखना चाहता हूँ। असल में इसमें ऑटो सेल टेक्नोलॉजी है तो वो मैं टेस्ट करने वाला हूँ और इसके सस्पेंशन टेस्ट करेंगे कि इसका जो सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड है या सॉफ्टर साइड है। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा मैटर है क्योंकि सस्पेंशन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं ओवरऑल हैंडलिंग और कॉर्निंग करते टाइम। तो चलो चलते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं बाइक को और चला के देखते हैं कि हाउ इट परफॉर्म्स। तो सेल्फ देते हैं तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करने वाला हूँ इसका ऑटो सेल टेक्नोलॉजी जो आपके ट्रैफिक में काफ़ी काम आने वाला है, तो उसको देखते हैं। तो चलो टर्न लेते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी एक नंबर पे गाड़ी पड़ी है, लेकिन इस पे एक कौन है इस मोटरसाइकिल में कि आपको इसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए, मैंने गियर डाल रखा है और मैं थ्रोटल इनपुट बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसके मिरर पकड़ रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने इसमें थ्रोटल इनपुट दे रहा हूँ। तो चलो अब इसको दूसरे गियर में डालते हैं। तो अब ये तीसरे में है और बाइक बंद नहीं हो रही है और थ्रोटल भी नहीं दे रहा हूँ तो आराम से चल रही है। तो यही है, जैसे कि TVS में GTT टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, वैसे ही इसमें आपको ऑटो सेल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि आपके काफ़ी मदद आएगी अगर आप इसको ट्रैफिक में चलाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और चलो अब इसको दौड़ा के देखते हैं, क्योंकि मैंने हाल ही में 164 भी चलाई थी तो वो मोटरसाइकिल ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था और इसको भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि क्या ये मोटरसाइकिल उस मोटरसाइकिल से बेहतर है कि नहीं। तो आज इस वीडियो में ये भी आप लोग जानोगे कि उस मोटरसाइकिल से ये मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं। तो चलो चलते हैं रोड की तरफ और फिर वहाँ पे इसके सस्पेंशन भी टेस्ट करेंगे और गेयरबॉक्स भी टेस्ट करेंगे। तो अगर मैं अभी इनिशियली क्लच लीवर का बात करूँ तो यहाँ पर जो क्लच का फील है वो काफ़ी लाइट है, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं है ना ज़्यादा मतलब हार्ड टाइप का है, ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और चलो अब रोड पे आ चुके हैं और इसको चला के देखते हैं और थोड़ा ग्रंट करते हैं इस मोटरसाइकिल को कि कैसा परफॉर्म करेगी। तो चलो अब खींचते हैं इस गाड़ी को। तो आगे कुछ ब्रेकर्स हैं तो वहाँ पर मैं इसके सस्पेंशन देखने वाला हूँ। हालांकि अभी ही मुझे पता चल रहा है कि इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्टर साइड पे है, मतलब कि आपको ज़्यादा इसमें गड्ढे वड्ढे महसूस नहीं होंगे और कॉर्निंग में भी काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा और स्टिफ होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये कुछ ब्रेकर्स हैं छोटे छोटे, अभी ये ब्रेकर्स के ऊपर से मैंने निकाला तो ज़्यादा इसमें मुझे बम्प फील नहीं हुए। तो अब मैं इसको थोड़ा दौड़ा के देखता हूँ कि कैसा परफॉर्म करती है। और गियर बॉक्स के बारे में बता दूँ, इसका थोड़ा सा क्लच जो है लूज था, इस वजह से थोड़ा सा क्लैंकी साउंड कर रहा था, अदरवाइज़ अगर जब मैं इसको फुल्ली दबा रहा था क्लच तो ये अच्छे से परफॉर्म हो रहा था और अच्छे से गियर बॉक्स
काम कर रहा था, मतलब कि गियर बॉक्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए कितना बढ़िया से ये मोटरसाइकिल पुल करती है। बस ये है कि ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छा सा पिकअप बना रही थी, काफ़ी अच्छे से पुल कर रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था इस मोटरसाइकिल को चलाने में और काफ़ी मनूवर करने में। देखिए मैंने 105-106 तक इसको लेके गया हूँ, तो मुझे इस मोटरसाइकिल में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ बस इतना है कि जब ये हायर आरपीएम पे जाती है तो ये मोटरसाइकिल थोड़ा सा बजीनेस, थोड़ा सा वाइब्रेशन देती है हाथों में, जो आपके पैरों पे फील होगा, यानी कि फुटपैक्स पे और हैंडल बार में आपको फील होगा। मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूँ 164V से, तो जो इसका रिफाइनमेंट लेवल है तो वो थोड़ा सा मुझे इस मोटरसाइकिल में कम लगा, जो इसका रिफाइनमेंट लेवल है। अदरवाइज़ जो इसका इंजन परफॉर्मेंस है, मतलब कि टॉप एंड तक जाने का, यानी कि 100 तक जाने का और 100 के ऊपर तक जाने का, वो मुझे 164V से बेहतर लगा। आई डोंट नो वाई, बट ये मुझे काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल लगी चलाने में। और इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग काफ़ी बेहतरीन हैंडलिंग है, मतलब शार्प हैंडलिंग, आप कैसे भी इसमें कट मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और काफ़ी मज़ा आती है इस मोटरसाइकिल चलाने में। और जो इसका जो साउंड है वो भी काफ़ी बेहतर है। बस हाँ, मुझे ये लग रहा था कि ये जो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ अजीत भाई की, ये थोड़ा सा वेल मेंटेन नहीं थी, कह सकते हो आप, जैसे कि चेन में ऑयलिंग वगैरह नहीं थी। बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मतलब आप देख ही सकते हो किस तरह से रफ्तार पकड़ रही थी। तुरंत तीसरे गियर पर 90 पहुँच रही थी, तो आप समझ सकते हो कि फोर्थ और फिफ्थ लगाने के बाद कहाँ तक जाएगी। इवन ये 120 तक इवन जा सकती है, लेकिन हमारे पास ऐसी रोड नहीं है कि मैं इसको उतना तक भगा सकूं, लेकिन जितना पॉसिबल था मैं उतना आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो सीट भी कंफर्टेबल है, राइडिंग स्टैंड भी कंफर्टेबल है, और सबसे अगर ऑड पार्ट इस मोटरसाइकिल का मैं बताऊं तो वो ये मुझे मिरर लग रहा है। मिरर थोड़ा सा इस गाड़ी के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, और जो मतलब अगर थोड़ा सा ये स्मार्ट टाइप के थोड़े से मिरर होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो कंपनी लगा के दी है, या तो हम आफ्टर मार्केट की तरफ जा सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं इस मोटरसाइकिल को समराइज़ करूँ तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, जिस प्राइस सेगमेंट में ये आती है और जिस हिसाब की ये फ़ीचर दे रही है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा हेड टर्निंग वाली मोटरसाइकिल है हीरो के लिए। जो हीरो ने अपना ये प्रोडक्ट दिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। अब ये समझ में आता है, ये पुराने एक्सट्रीम की तरह नहीं है, जो थोड़ा सा ऑड फील होती थी और थोड़ा सा चलाने में लगता था कि नहीं भैया कोई नॉर्मल मोटरसाइकिल चला रहे हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल चलाने के बाद ये फील हो रहा था मुझे कि ये मोटरसाइकिल काफ़ी फ़न टू राइड है। और इनिशियल पिकअप भी इसका काफ़ी अच्छा है, और जो ये जिस तरह से ये रफ्तार पकड़ती है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मैंने ये देखा कि 90 के बाद जब अपाचे को मैं खींच रहा था तो अपाचे उतना नहीं कर पा रही थी, मतलब रीच करने में, और 100 के बाद तो लग रहा था कि अब ये ज़्यादा नहीं जाएगी। हो सकता है कि पहले सर्विस नहीं हो रही होगी, क्योंकि उसको मैंने ज़्यादा खींचा भी नहीं, क्योंकि रोड भी अपने पास नहीं आ गया, वही बात है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल मेंटेनेंस के मामले में भी काफ़ी कम है, आपको ज़्यादा इसको मेंटेन करने में खर्चे नहीं करने पड़ेंगे, और जो इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है और जो हीरो का सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोगों को हीरो का 160cc मोटरसाइकिल लेना है तो मेरे हिसाब से इस मोटरसाइकिल से बेस्ट कोई मोटरसाइकिल नहीं है, और इसके हार्डवेयर जो यूज़ करे गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि हैजर्ड स्विच है और ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर्स हैं जो आप लोगों के डेली टू डेली काफ़ी काम आने वाले हैं। बस इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, अगर वो भी होता तो ये एक फुल्ली पैकेज और फुल्ली फीचर्स के साथ आती है। और सेफ्टी फीचर्स तो इसमें है ही, जैसे कि आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है और साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और रेडियल टायर्स मिल जाते हैं, और जो ब्रेकिंग का सेटअप है और डबल डिस्क का ऑप्शन है वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास काफ़ी अच्छी है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऑलवेज वियर हेलमेट एंड सेफ राइड, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।